Welcome back to our channel. In this lecture, we are going to solve remaining three questions of practice set 10.2. Previous lecture में बच्चों मैंने starting के four questions को solve करा दिया है. इस lecture में हम last के three questions को solve करेंगे, fifth, sixth and seventh question को. So let's move to the questions. देखो fifth question यहाँ पे मैंने already लिखा है. यहाँ पे polynomial है 3x minus 3x square minus 12 plus x raised to 4 plus x cube डिवाइड बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर. तो पॉलिनोमियल का यहाँ पे ऑर्डर सही नहीं है, तो मैंने इसे ऑर्डर में अरेंज कर दिया. ठीक है, अब यहाँ पे आपको न्यू क्वेश्चन दिख रहा होगा. देखो ये है, मैंने इसको अरेंज कर दिया. अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवाइजर का जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर है एंड डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है एक्स रेस टू 4. तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर को एक्स रेस टू 4 में कन्वर्ट करना है. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग एक्स स्क्वायर. अगर मैं एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक्स रेस टू 4 बन जाएगा. इट मीन्स मुझे क्वेश्चन में क्या लिखना होगा, एक्स स्क्वायर. एंड एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे लिख दूंगी मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये वाला एक्स स्क्वायर पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स रेस टू 4 बन जाएगा, देन 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 एक्स स्क्वायर बन जाएगा. फिर यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स रेस टू 4, देन 2 एक्स स्क्वायर है तो इसे हम इसी के टर्म के नीचे लिखेंगे. ठीक है, यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, देन साइन चेंज करेंगे. देखो यहाँ पर मैं देखो एक्स रेस टू 4 है तो इसको मैं नेगेटिव कर देती हूँ, 2 एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है तो इसे मैं नेगेटिव कर देती हूँ. अब इसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, देन प्लस एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा, देन माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर. तो माइनस माइनस क्या होता है, आप लोगों को पता होगा ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर ये सब आपने पढ़ा होगा, तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा. माइनस माइनस प्लस होता है तो हम पहले ऐड करेंगे, 3 प्लस 2 बिकम 5x स्क्वायर. एंड यहाँ पे बिगर नंबर क्या है, 3 है, 3 हैव अ माइनस साइन, दैट्स व्हाई माइनस 5x स्क्वायर, देन प्लस 3x माइनस 12. ठीक है, ये हो गया आपका रिमाइंडर. अब ये एक्चुअली में जो रिमाइंडर आपको मिला है वो क्या है, न्यू डिविडेंड है. आपको अभी फर्दर इसको सॉल्व करना है. चलो फिर अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को हम कन्वर्ट करेंगे एक्स क्यूब में. तो एक्स क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा. तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ क्वेश्चन में हम लिख देंगे एक्स. ठीक है, अब यहाँ एक्सप्लेनेशन लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या बन जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस 2x. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी एक्स क्यूब एंड यहाँ पे प्लस 2x, देन माइनस का साइन लगाएंगे, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा. इसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, देन माइनस 5x स्क्वायर एज इट इज. अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 2x को 3x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ x आएगा. बिगर नंबर इज 3, सो 3 हैव अ प्लस साइन, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस 12. अब आपको क्या करना है, x स्क्वायर को कन्वर्ट करना है माइनस 5x स्क्वायर में. तो आप क्या करोगे, माइनस 5 से मल्टीप्लाई करोगे. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन में माइनस, ठीक है, क्वेश्चन में मैं लिख देती हूँ माइनस 5. एंड एक्सप्लेनेशन में लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, सो माइनस 5 एक्स स्क्वायर एंड देन ये मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 से, तो प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये माइनस 5 है ना, तो प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई होके, तो माइनस 10 बन जाएगा. अब हम यहाँ पे लिखेंगे 5x स्क्वायर एंड माइनस 10, देन अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन साइन चेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा प्लस. इसके बाद फर्दर हम सॉल्व करेंगे, सो माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जीरो हो गया, प्लस x एज इट इज एंड माइनस 12 प्लस 10, माइनस प्लस बिकम माइनस, 10 को 12 में से सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आ जाएगा 2, 12 हैव अ माइनस साइन, दैट्स व्हाई माइनस 2. ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, x माइनस 2. क्वेश्चन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 एंड रिमाइंडर है बच्चों यहाँ पे एक्स माइनस 2. आई होप कि आपको अच्छे से पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा.
नाउ मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन. तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन मैंने लिखा है, ए रेस टू फोर माइनस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन डिवाइड बाय ए क्यूब माइनस टू. तो बच्चों कैसे लिखेंगे हम इसे, पहले तो यहाँ सॉल्यूशन लिख देती हूँ. ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ए रेस टू फोर माइनस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन. इसको हम डिवाइड करेंगे बच्चों ए क्यूब माइनस टू से, ए क्यूब माइनस टू से. ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, आपको ए क्यूब को कन्वर्ट करना है ए रेस टू फोर में. तो आप क्या करोगे, ए से मल्टीप्लाई करोगे. तो क्वेश्चन में यहाँ पे ए लिख देती हूँ और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा ए क्यूब माइनस टू मल्टीप्लाई बाय ए विच इज इक्वल टू ए रेस टू फोर माइनस टू ए. तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे ना ए रेस टू फोर एंड माइनस टू ए कहाँ आ जाएगा, इसका जो लाइक टर्म होगा ना पॉलिनोमियल में वो क्या है, माइनस ए है ना, तो इसी के नीचे हम लिखेंगे. ठीक है, माइनस टू ए, माइनस टू ए. अब इसके बाद सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, अब इसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा, माइनस ए क्यूब एज इट इज प्लस ए स्क्वायर भी एज इट इज, देन माइनस ए प्लस टू ए. तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है. देन वन ए को टू ए में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें सिर्फ ए मिलेगा, बिगर नंबर टू है, टू के पास प्लस साइन है तो प्लस ए आ जाएगा. एंड प्लस वन जो रिमेनिंग है डिविडेंट में वो एज इट इज आप रिमाइंडर में कॉपी कर लोगे. अब इसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपको ए क्यूब को ए क्यूब में ही कन्वर्ट करना है. तो जब आपका डिवाइजर का फर्स्ट टर्म और आपका ये जो डिविडेंट है, अब न्यू रिमाइंडर जो क्या है वो न्यू डिविडेंट बन गया है, तो डिविडेंट का फर्स्ट टर्म अगर दोनों ही सेम हो एग्जैक्टली तो आपको वन से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, अगर पॉजिटिव होगा तो वन से, नेगेटिव होगा तो माइनस वन से. तो आप यहाँ देख रहे हो ना डिवाइजर का फर्स्ट टर्म डिविडेंट का फर्स्ट टर्म सेम है, लेकिन डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है वो नेगेटिव है. तो आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है. बस इतनी छोटी सी बात आपको याद रखनी है, इससे आपका सम अच्छे से सॉल्व हो जाएगा विदाउट मिस्टेक. ठीक है, तो चलो एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे लिख देते हैं ए क्यूब माइनस टू मल्टीप्लाई बाय वन. तो क्या आ जाएगा आंसर, सॉरी वन नहीं माइनस वन. ठीक है, माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर, ए क्यूब प्लस टू. ओके, यहाँ पे हम लिख देंगे ए माइनस माइनस ए क्यूब आएगा, सॉरी माइनस ए क्यूब देन प्लस टू आ जाएगा जो मैं यहाँ पे लिख दूंगी. ठीक है, अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस. इसके बाद बच्चों हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो देन प्लस ए स्क्वायर प्लस ए देन प्लस वन माइनस टू. सो प्लस माइनस बिकम माइनस, वन को टू में से सब्ट्रैक्ट करो आंसर आ जाएगा वन, बिगर नंबर इज टू, टू हैव अ माइनस साइन दैट्स व्हाई माइनस वन. तो यहीं तक सॉल्व करना है बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में यहीं तक सॉल्व किया है, फर्दर भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपको ए क्यूब को ए स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, ए से डिवाइड कर दोगे. तो आपको लिखना पड़ेगा और ये पॉजिटिव है तो आप वन अपॉन ए ले लोगे क्वेश्चन में. ठीक है, लेकिन टेक्स्ट बुक में दिया है यही फाइनल आंसर, सो यहीं तक सॉल्व करना है. तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपका ए माइनस वन एंड रिमाइंडर आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस ए माइनस वन. नाउ माय डियर स्टूडेंट सी द सेवेंथ क्वेश्चन. सेवेंथ क्वेश्चन है फोर एक्स रेस टू फोर माइनस फाइव एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स प्लस वन डिवाइड बाय फोर एक्स माइनस वन, जो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है. ठीक है, सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी है तो ध्यान से कॉन्शियस होके देखना, पहले ही मैं बोल रही हूँ अदरवाइज आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा. चलो नाउ सी द सेवेंथ क्वेश्चन. सेवेंथ क्वेश्चन है फोर एक्स रेस टू फोर माइनस फाइव एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स प्लस वन डिवाइड बाई फोर एक्स माइनस वन. अब बच्चों सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा लेंदी है तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना कॉन्शियस होके. ठीक है, अदरवाइज टाइम आपका वेस्ट हो सकता है अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो, फिर से दोबारा वीडियो देखना होगा तो एक ही बार में अच्छे से समझ में आएगा अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हो तो. चलो अभी फोर एक्स को मुझे कन्वर्ट करना है फोर एक्स रेस टू फोर में, तो मैं क्या करूंगी एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगी. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख देती हूँ, फोर एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, फोर एक्स रेस टू फोर माइनस एक्स क्यूब. अब यहाँ पे लिख देंगे एज इट इज हम ये, तो यहाँ हो जाएगा फोर एक्स रेस टू फोर माइनस एक्स क्यूब, सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देंगे बच्चों, देन यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, ये बन जाएगा माइनस और ये बन जाएगा प्लस.
अब इसके बाद आपको क्या करना है, फर्दर सॉल्व करना है, तो ये हो गया जीरो, देन माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, सॉरी माइनस फाइव एक्स क्यूब है एंड प्लस एक्स क्यूब है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, फाइव में से वन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो फोर आ जाएगा, एक्स क्यूब वेरिएबल है तो एज इट इज लिख दो, बिगर नंबर इज फाइव, फाइव हैव अ माइनस साइन, दैट्स व्हाई माइनस फोर एक्स क्यूब, देन माइनस सेवन एक्स प्लस वन एज इट इज लिख देंगे। अब आपको क्या करना है बच्चों, फोर एक्स को माइनस फोर एक्स क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना कि 4x को अगर 4x क्यूब में कन्वर्ट करना है तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, और साथ में माइनस चाहिए तो माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर से, तो ये क्या बन जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस फोर एक्स क्यूब, देन जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है ना, माइनस वन है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं एंड एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, साइन को चेंज कर देंगे, ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस, एंड फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, ठीक है, देन एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस है तो लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस सेवन एक्स प्लस वन। अब आपको थोड़ा ध्यान देना है, और अब देखो 4x को मुझे कन्वर्ट करना है एक्स स्क्वायर में, तो आप है ना बच्चों ऐसे दिमाग लगा सकते हो कि ये जो डिवाइजर है, डिवाइजर का 4x है, ठीक है, x वेरिएबल है, x को एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मतलब मुझे x से मल्टीप्लाई करना है, 4 को मुझे यहाँ पे रिमूव करना है, इट मीन्स मुझे 4 से डिवाइड करना है, साथ में मुझे माइनस भी साइन चाहिए तो मैं माइनस लगा देती हूँ न्यूमिरेटर में, इट मीन्स मुझे माइनस एक्स अपॉन 4 से मल्टीप्लाई करना है। बट समटाइम अगर ये नहीं समझ में आता है या डिफिकल्ट लग रहा है, कोई और तरीका होगा तो क्या नहीं हम सॉल्व कर सकते क्वेश्चन को, तो दूसरा भी तरीका है। देखो आप क्या करोगे, माइनस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करना है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर को न्यूमिरेटर में लिखो, 4x को आप डिनोमिनेटर में लिखो, अब इसे सॉल्व करो, जो न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल होगा वो कैंसिल कर दो, कैंसिल नहीं होता तो एज इट इज छोड़ दो। अब इसको मैं स्प्लिट करके लिख देती हूँ, माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय माई एक्स एंड फोर मल्टीप्लाई बाय एक्स, अब ये x और x कैंसिल हो गया तो क्या बचा है, माइनस एक्स अपॉन फोर, इट मीन्स आपको माइनस एक्स अपॉन फोर से मल्टीप्लाई करना है, तो इजी मेथड है ना, ये मेथड के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कि क्वेश्चन में ऐसा कौन सा नंबर लिखूं कि डिवाइजर डिविडेंट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ माइनस एक्स अपॉन फोर। अब यहाँ हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स अपॉन 4 से, अब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये डिविडेंट वाला ही टर्म मिलेगा, तो इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्टली मैं यहाँ लिख देती हूँ माइनस एक्स स्क्वायर, देन जब ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा प्लस एक्स अपॉन 4, ठीक है बच्चों। अब इसे मैं एज इट इज लिख देती हूँ यहाँ पर डिविडेंट के नीचे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 4, सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देंगे, फिर बच्चों यहाँ साइन चेंज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा और ध्यान से देखो क्योंकि सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी होते जा रहा है, अब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, देन माइनस सेवन एक्स एंड माइनस एक्स अपॉन फोर, अब इसे आपको सॉल्व करना है, देखो माइनस सेवन एक्स माइनस एक्स अपॉन फोर इसे सॉल्व करना है, तो क्या करोगे, डिनोमिनेटर को इक्वल कर लो, ऐसे क्वेश्चन को सबसे ईजी मेथड क्या है सॉल्व करने का, डिनोमिनेटर इक्वल करना, तो माइनस सेवन एक्स का डिनोमिनेटर आपको फोर बनाना है, तो आप क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 7x मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन 4, सॉल्व करो माइनस 7 4 जो होता है 28, तो माइनस 28x अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 4, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो न्यूमिनेटर में जो भी ऑपरेशन होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन वो आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 28x प्लस x बिकम 29x, बिगर नंबर इज 28, 28 हैव अ माइनस साइन, दैट्स व्हाई माइनस 29 अपॉन x, तो इट मीन्स हमें किससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, सॉरी यहाँ पे हमें क्या मिल गया आंसर, माइनस 29 एक्स अपॉन 4 एंड प्लस 1 जो एज इट इज हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ बच्चों, चलो ये जो है लाइन थोड़ी स्ट्रेट बना देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 4x को कन्वर्ट करना है माइनस 29 एक्स अपॉन 4 में, तो अब आप क्या करोगे, जैसे मैंने एक ईजी मेथड बताया ना, माइनस 29 एक्स अपॉन 4 को आप डिवाइड करोगे बच्चों 4x से, तो माइनस 29 एक्स अपॉन 4 डिवाइड करने का क्या मतलब होता है, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना, जब हम रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, हम फर्स्ट वाले रैशनल नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं सेकेंड रैशनल नंबर से, तो सेकेंड रैशनल नंबर का हम
रेसिप्रोकल लिख देते हैं। वैसे यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 4x है, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 1/4x हो जाएगा। अब x और x यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है सिर्फ 29/16। तो इट मीन्स बच्चों हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखना है, -29/16। तो मैं यहाँ लिख दूंगी -29/16। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, 4x-1 × -29/16। अब जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे यही जो टर्म है ये मिलेगा ना, -29x/4। तो मैं इसे एज इट इज लिख देती हूँ, अब मैं दब सॉल्व नहीं करूंगी, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 29/16 आ जाएगा। अब बच्चों इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ये सब इरेज कर देती हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे -29x/4 एंड यहाँ पे आ जाएगा बच्चों +29/16, ठीक है। इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस। एंड फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों कैंसल, यहाँ 0 आ जाएगा, देन +1 एंड -29/16। तो इसको हम सॉल्व करते, देखो 1 -29/16 ये क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरह है। और अगर डिनोमिनेटर इक्वल करना है तो बहुत अच्छी बात है, क्या करोगे 1/1 × 16/1 × 16, ऐसे भी तो कर सकते हो। हो गया ना डिनोमिनेटर इक्वल, तो 16/16 - 29/16, ठीक है। डिनोमिनेटर में 16, दोनों सेम नंबर से तो 16 ही लिखना है आपको। देन न्यूमिनेटर में 16 - 29 करना है, तो 29 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करो तो आ जाएगा आंसर 13। तो लिख दो 13, बिगर नंबर 29 है, 29 के पास माइनस साइन है, तो -13/16। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों -13/16, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या बन गया है, यहाँ पर क्वेश्चन बन गया है ये जो आपको दिख रहा होगा, मैं इसको ब्लैक कलर का सर्कल कर देती हूँ। देखो ये है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है यहाँ पे x³, यहाँ पे नहीं लिखती, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देती। देखो क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों x³ - x²-x/4 - 29/16 एंड रिमाइंडर आ गया बच्चों -13/16, ठीक है। तो यहाँ पे 7th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। एंड प्रैक्टिस सेट 10.2 के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, चैप्टर 10th भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।